अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो अपनी आईज डार्क सर्कल्स, पफी आईज, टायर्डनेस, प्री मेच्योर रिंकल, उन सब से बहुत परेशान हैं। आपके पूरे फेस पे अगर आपकी आईज थकी हुई है तो आपका पूरा फेस, पूरा लुक डल लगेगा और आपका पूरा फेस फ्रेश लुक नहीं देगा। जब हम मेकअप करते हैं तो डार्क सर्कल्स और ये जो हमारी पफी आईज होती हैं, एक वक्त के लिए तो कवर हो जाती हैं, लेकिन हम हर वक्त तो मेकअप नहीं कर सकते ना। तो सब लड़कियों को यही होता है कि कोई आसान सा झटपट टोटका हो या कोई ऐसा DIY हो जिससे हम अपने सारे मसलों से हल भी पा लें और ऐसी चीज़ हो जिससे बहुत फ़ायदा भी हो और नुकसान भी ना हो, कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो। और जो ये क्रीम्स होती हैं डार्क सर्कल्स की, उनसे तो कोई फ़ायदा होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा बाम बनाएंगे जिसका बनाना तो बहुत आसान है और जिसको लगाना भी बहुत आसान है और इसको प्रिजर्व करना भी बहुत आसान है कि आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं हो, महीनों क्या साल भी चलेगा। और थर्ड बात ये कि इसका रिजल्ट भी बहुत बहुत अच्छा है और आपको बहुत जल्दी फील होने लग जाएगा। और आपकी आईज के जितने भी इश्यूज हैं, डार्क सर्कल्स, पफीनेस, प्रीमेच्योर रिंकल्स, एजिंग, टाइटनिंग या फिर लूजिंग, जितने भी इश्यूज हैं, ये सब इश्यूज इस बाम से जल्दी सॉल्व होने लग जाएंगे। और आप बोलेंगे क्या बाम बताया फरीन ने। बिलीव मी, ये बाम इतना अच्छा है क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है और मुझे इसके रिजल्ट फील हुए। और मज़े की बात, इसके रेगुलर अप्लाई से जब आप ये बाम रेगुलर अपनी अंडर आईज के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी जो आई लैशेज हैं वो नेचुरल ग्रो होने लग जाती हैं। जितनी भी लड़कियां होती हैं कहती हैं हमने क्रीम्स अप्लाई कर ली, हमें फ़र्क नहीं पड़ा, हमने टोटके आजमा लिए, फलाना कर लिया, धमाका कर लिया, हमें फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप ये बाम अप्लाई करें, गारंटी फ़र्क पड़ेगा। बहुत आसान फॉर्मूला है, आपको कुछ मेहनत नहीं करने की ज़रूरत। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, बाम बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए हैं वो है बीज वैक्स। ये बीज वैक्स मैंने ले ली है, आराम से आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, ये ऐसी होती है। और इसके अलावा बादाम का तेल, 1 टीस्पून बलाई, और आपको चाहिए पेट्रोलियम जेली या वैसलीन भी आप ले सकते हैं। बीज वैक्स को मैंने मेल्ट कर लिया है, ठीक है, आप इसको पैन में डाल के मेल्ट कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालूंगी और फिर आपके पास आऊंगी, ठीक है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून पेट्रोलियम जेली और मैं इसको मिक्स करूंगी इसके ड्राई होने से पहले, इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। बीज वैक्स जल्दी ड्राई हो जाएगी तो आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स 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 मिक्स, मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, ठीक है। पेट्रोलियम जेली 1 टीस्पून आपने ऐड करनी है इसके अंदर। अच्छा, बीज वैक्स आपको ना मिले तो आप इसके साथ, इसके लिए ऑप्शन है, आप देसी मोमबत्ती भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगा। अब इसमें मैं ऐड करूंगी बादाम का तेल 2 टीस्पून। अच्छा जी, इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया तो ये थोड़ा कुछ ऐसे लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह बादाम का तेल डाल के भी इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून फ्रेश बलाई जो मैंने लेके रखी हुई है, बिल्कुल 1/2 टीस्पून, ठीक है। आप कच्चा दूध भी अपने फेस पे, अपने डार्क सर्कल्स पे, अपनी स्किन पे कच्चा दूध जो बॉइल हुआ ना हुआ हुआ हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे आपके फेस पे शाइन भी बहुत आती है और बहुत ग्लो आती है। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून बलाई ऐड की है और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी, मिक्स 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 मिक्स।
इलेक्ट्रोलाइट में लैक्टिक एसिड होता है और वो ब्लीचिंग का काम करती है। दूध में भी लैक्टिक एसिड होता है और आप कच्चा दूध रेगुलर भी अप्लाई कर सकते हैं। अपनी आईज के नीचे विद कॉटन आप कच्चा दूध लो और अप्लाई कर लो, बेस्ट है। अब ये सारा मिक्सचर जो मेरा रेडी हो चुका है, मैं इसको एक जार में ऐड कर लूँगी, फिर आती हूँ। अच्छा जी, सारा मिक्सचर मैंने एक जार में डाल लिया है और आपने इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है ताकि ये जो वैक्स है सारे लिक्विड को जज्ब कर ले और एक अच्छा सा बाम बन जाए। ओके जी, 10 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था ताकि ये थोड़ा जज्ब हो जाए सारा मिक्सचर, जो वैक्स है अपने अंदर इसको सख्त कर ले। अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, रोज़ाना आपने इसको मैक्सिमम 40 डेज अप्लाई करना है। 40 डेज में आपने रोज़ाना फेस वॉश करके अपनी जो आपकी रिंग फिंगर होती है उससे आपने बहुत हल्के हाथों से अपनी आईज के नीचे इसका मसाज करना है और इसको जस्ट करना है अपनी आईज के नीचे, यहाँ पे ये पोर्शन पे बहुत हल्के हाथों से आपने इसका मसाज करना है। ये मैंने ले ली, ठीक है, और अब मैं इसका बहुत हल्के हाथों से आईज के नीचे इसका मसाज करूँगी। इस फिंगर से हम इसलिए मसाज करते हैं क्योंकि इस फिंगर का प्रेशर लाइट होता है, ठीक है, और आईज का जो ये पोर्शन होता है ये बहुत सेंसिटिव होता है, तो इस फिंगर से हम इसलिए मसाज करते हैं कि ये प्रेशर भी लाइट है इसका और आपकी स्किन भी सेंसिटिव वाला पोर्शन है, तो आपने इसका मसाज करके इसको जज्ब करना है। ठीक है जी, आपने इसको अच्छी तरह जज्ब कर दिया। अब आपने क्या करना है, आपका जो कॉर्नर एज है ये पोर्शन, यहाँ इसको मसाज देना है रिंग फिंगर से, ठीक है, आपने इसको मसाज दे लिया, ये पोर्शन मसाज देना है, ये पोर्शन मसाज देना है और फिर लाइट हाथों से इसका मसाज करना है, फिर ये पोर्शन प्रेस करना है, फिर ये पोर्शन प्रेस करना है, तो इस तरह करके आपकी आईज का अच्छा खासा मसाज हो जाएगा। क्रीम बाम को अच्छी तरह जस्ट करके आपने इसको रात को वॉश नहीं करना, आपने इसको सुबह वॉश करना है और रोज़ाना अप्लाई करना है। ये आप इसको फ्रिज में रखें, आप इसको बाहर रखें, ये ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ये अच्छा खासा लॉन्ग टाइम पीरियड चल सकता है। ठीक है, ओके जी, मेरी आज की वीडियो यहीं तक। मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी ये रेमेडी कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक, मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।